नमस्कार, मैं हूँ फिरोज हाशमी। एक तरफ जहां पूरे भारत देश में NRC NPR CA का विरोध कर रही है, देश की जनता भड़की हुई है। NRC NPR CA बिल को लेकर शाहीन बाग, जो कि दिल्ली में है, पूरी तरह महिलाओं से मंडप भरा है। बीजेपी सरकार अपने भाषणों में कहते आए हैं मगर किए कुछ नहीं, तो कैसे यकीन करें। और यही वजह है आज कई हफ्तों से इस भारत देश में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर हंगामा मचा हुआ है। महिलाएं पिंजरा तोड़ से लेकर आजादी तक के नारे लगा रही हैं। ऐसे ही दौर में संविधान बचाने के संकल्प के साथ दिल्ली के एक पिछड़े से मोहल्ले शाहीन बाग की महिलाएं एक महीने से सड़क पर हैं। ठंड में हजारों महिलाएं अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ धरने पर बैठी हैं, और उस धरने में मिसाल भी देखा गया है कि वहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग उसी मंडप में महिलाएं बैठे हुए हैं और वहीं पर पूजा पाठ भी कर रहे हैं। हम आपको वो भी तस्वीर दिखाएंगे। और उनका धरना दिन रात चल रहा है, जिसकी अगुवाई महिलाएं कर रही हैं। और दूसरी तरफ महाराष्ट्र में बीजेपी नेता जय भगवान गोयल PM मोदी को लेकर लिखी किताब पर विवाद पैदा हो गया है। आज के शिवाजी नरेंद्र मोदी शीर्षक से प्रकाशित जय भगवान गोयल की किताब पर शिवसेना ने आपत्ति जताई है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने जय भगवान गोयल के खिलाफ प्रदर्शन किया। शिवाजी महाराज से PM मोदी की तुलना करने पर विरोध जताया। शिवसैनिकों ने लेखक गोयल की तस्वीर पर चप्पल बरसाए। गोयल ने जो पुस्तक की छपाई की है उसमें आज के शिवाजी नरेंद्र मोदी के नाम से दर्शाया है, जिस पर बवाल मचा हुआ है। संजय राउत ने क्या कहा, पहले आप सुनिए। शिवसेना ने अब तक कुछ नहीं किया, हम देख रहे हैं क्या हो रहा है। छत्रपति शिवाजी, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश के सर्वोच्च नेता है, लोकप्रिय नेता है, उनका काम बहुत बड़ा है, उनका कोई विकल्प नहीं है। ये सभी बातें हमें मंजूर है, हम उनका आदर करते हैं प्रधानमंत्री, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ किसी की तुलना नहीं हो सकती। ये महाराष्ट्र की जनता की भावना है, सबकी भावना है, तो उसका आदर करना चाहिए। कोई भी एक आदमी उठता है और एक किताब लिखता है, जिस किताब का विमोचन दिल्ली में बीजेपी के मुख्यालय में होता है, हाँ, जोर शोर से, तो महाराष्ट्र में उसका परिणाम तो आपको दिखेगा और दिख रहा है। जो हुआ उसमें ना मोदी जी का संबंध है ना अमित शाह जी का संबंध है, आप उनके ऊपर क्यों दोष दे रहे हो? उनको मालूम है क्या क्या होता है उनके पीछे? ये जो अति उत्साही भगतगण होते हैं ना, ये उनका काम होता है, ये भाड़े के तट्टू होते हैं सब लोग। कल तक ये लोग हमारे पार्टी में थे और दूसरे पार्टी में गए, यही लोग हैं जिसने किताब लिखने वाली, जिसने दिल्ली के महाराष्ट्र सदन पर हमला किया था और वहाँ घुसकर महाराष्ट्र के बारे में गंदी गंदी बातें की थी। जब हमला किया था तो छत्रपति शिवाजी महाराज की तस्वीर भी टूटी थी लोगों के हाथों से, मैंने देखा है मेरे आंखों से। अब ये छत्रपति शिवाजी महाराज की तुलना प्रधानमंत्री से करेंगे, कल प्रधानमंत्री बन लगे तो और किसी के साथ तुलना करेंगे? ये इन सब बातों इस बातों से मोदी जी का कोई संबंध नहीं है। तो हम ये नहीं कहेंगे मोदी जी ने माफ़ी मांगनी चाहिए, नहीं, उनका क्या संबंध है, उनको मालूम भी नहीं है क्या हो रहा है। देखिए, कोई बड़ी किताब नहीं है, वो प्राइवेट सर्कुलेशन वाली किताब है। महाराष्ट्र में जब भी देखेंगे कोई किताब जिसके हाथ में होगी उसको परिणाम भुगतना पड़ेगा। और शिवाजी PM मोदी बुक पर रामदास अठावले ने क्या बोले वो भी सुनिए। रामदास अठावले ने कहा, शिवाजी महाराज से मोदी जी तुलना नहीं होनी चाहिए, लेकिन दोनों महान हैं। शिवाजी महाराज उनकी जगह पर बहुत बड़े ग्रेट हमारे नेता थे, ग्रेट राजा थे, और आज 5.5 साल से पूरे भारत में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ, हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, आदिवासी हो, OBC हो, ब्राह्मण हो, सभी जाति के धर्म के लोगों को जोड़ने का काम बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, तो ये भी मतलब उनका एक बहुत बड़ा काम वो कर रहे हैं। उनके बारे में जो आरोप प्रत्यारोप होते रहते हैं राजनीति में, आरोप प्रत्यारोप होते रहते हैं, लेकिन जहां तक मेरा अनुभव है कि नरेंद्र मोदी जी बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान को मानते हैं, नरेंद्र मोदी जी बाबा साहब के संविधान का भारत खड़ा करना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी जी सेकुलर भारत को मजबूत करने की कोशिश
कर रहे हैं और उसके बावजूद भी उनको बदनाम करने की कोशिश होती रहती है। मुझे लगता है कि इसमें कोई किसी ने राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो लेखक ने जो इसी तरह का कंपेरिजन किया है इसे मैं समझ नहीं हूं, लेकिन दोनों भी नेता ग्रेट नेता है और इसीलिए मुझे लगता है कि ऐसी तुलना करना ठीक नहीं है। रामदास अठावले ने कहा, शिवाजी महाराज से मोदी जी में तुलना नहीं होनी चाहिए, लेकिन दोनों महान हैं। लेकिन बुक को लेकर पूरे महाराष्ट्र में हंगामा मचा हुआ है। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।